हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में रोटेशनल डायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट यूनिट सो कॉल्ड टोपलिंग और टिपलिंग, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके हेल्प से आगे हम रोलिंग मोशन, रोलिंग फ्रिक्शन के कंसेप्ट भी बिल्ड करेंगे। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशंस क्या हैं? ए बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस ऑफ मास 4 kg इज अंडर पुश दैट एक्ट्स हॉरिजेंटली एट टॉप एज शोन इन फिगर। ये बॉक्स का जो साइज है ये 0.6 मीटर × 0.6 मीटर × 0.8 मीटर। फाइंड आउट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स इमिडिएटली आफ्टर द अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इस अप्लाई करने के ठीक बाद इसमें फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होंगे और दूसरा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होंगे। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशंस क्या हैं? अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन, सेकेंड अप्लाइड फोर्स इज 15 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन। गिवन क्या है? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस इज गिवन 0.6, म्यू के इज गिवन 0.5, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 kg। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं? एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होंगे? एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू होगा 0.6 × 40 न्यूटन, डेट इज इक्वल टू 24 न्यूटन। और एफ के का वैल्यू इसमें क्या आएंगे तो डेट इज 0.5 × 40, डेट इज 20 न्यूटन। तो ये तो हमारा कॉमन जो ऑब्जर्वेशन होते हैं इन एवरी क्वेश्चन, जो बेसिक डाटा हमने कलेक्ट किया है। सो इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो बेस हैं स्क्वायर बेस हैं और फोर्स एट टॉप लगा रहे। यदि हम इसका फ्रंट व्यू से देखें एज ए टू डायमेंशनल डायग्राम में, फोर्स एट टॉप लगा रहे हैं फर्स्ट एफ इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो न्यूटन्स ऑफ मोशन में हम लोग लर्न करते हैं कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कैलकुलेटेड जो फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है वो 24 न्यूटन है, यानी दिस इज लेसर देन 24 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और ये हमारा लेफ्ट साइड एक्ट करेगा, इसके वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जो इसके एम जी हैं इसके बराबर होगा, एम का वैल्यू 4 kg है यानी 40 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स को हम दिखाएंगे और ये इसका वेट एम जी है। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ यूनिकनेस हमें ऑब्जर्वेबल नहीं हो रही, ये तो न्यूटन ऑफ मोशन में एक कॉमन क्वेश्चन हम लोगों ने लर्न किया है। पर यूनिकनेस यहाँ पर एक नई बातें क्या दिख रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और जो फ्रिक्शन 10 न्यूटन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स डेवलप हो रहे हैं एट बेस, अब ये दोनों मिलकर इस ऑब्जेक्ट में एक कपल ऑफ फोर्स का डेवलपमेंट करता है जिसकी वैल्यू क्या होगी? अप्लाइड फोर्सेस जो हैं यानी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट हैं एज वेल एज नॉन कोलिनियर हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 0.8 है यानी 10 न्यूटन × 0.8। इसका मतलब यहाँ पर जो कपल ऑफ फोर्सेस का वैल्यू आ रहे हैं इट इज़ 8 न्यूटन × मीटर। ये कपल ऑफ फोर्सेस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टर्न करने का कोशिश करेगा। ऐसा होता नहीं है, जैसे मान लो किसी ने आपसे पंगा ले लिया, आप उसके कार को पुश कर दिए तो पता लगा कि कार टर्न कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, पर ये तो कंसेप्ट हमें दिख रहा है। ये कपल ऑफ फोर्सेस जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं यानी ये ऑब्जेक्ट को टर्न कर सकता है, नहीं टर्न होता है या टर्न होगा इसके लिए अपन ये देखेंगे कि ऐसा कोई इसमें एंटी टॉर्क भी डेवलप कर रहा है क्या। एम जी तो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये जो नॉर्मल हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नॉर्मल को सेंटर से ही अप्लाई करते हैं, पर यहाँ जो नॉर्मल फोर्स हैं वो राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी ये कहलाते हैं शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, जो एक एंटी टॉर्क डेवलप करेगा। कितना ये शिफ्ट होगा? तो सपोज ये एक्स अमाउंट से
राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। इस नॉर्मल का जो टॉर्क होंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और दीज अप्लाइड फोर्सेस का जो टॉर्क होंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये वैल्यू जो 10 न्यूटन है इस लाइन से 40 सेंटीमीटर अबव हैं, इसकी जो टॉर्क आएगी वो क्लॉकवाइज आएगा। यहाँ पर फिर हम देखें तो ये हमारा 40 सेंटीमीटर है और ये फोर्स इधर हैं, इसकी भी वैल्यू आएगी 10 × 40 सेंटीमीटर। जो हमने कपल ऑफ फोर्सेस निकाला है, यदि इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे इन दोनों फोर्सेस का तो उसकी भी वैल्यू उतना ही आएगी। तो सेंटर के अबाउट दीज टू फोर्सेस का जो टॉर्क आएंगे 10 × ये 10 न्यूटन फोर्स को आगे बढ़ाएं और सेंटर से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो ये आर और एफ की वजह से एक क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप होगा 10 × 0.4। सिमिलरली ये डायरेक्शन आर का होगा और ये फ्रिक्शन फोर्स का, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप करेगा 10 × 0.4। और जैसा मैंने बताया तो यहाँ पर नॉर्मल राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके एक एंटी टॉर्क डेवलप करता है ताकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सके। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना शिफ्ट करेगा, सपोज अमाउंट एक्स एंड सम ऑफ दीज वैल्यू को हम जीरो पुट कर रहे हैं। ये हमने क्या लिखा, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स, और इसकी वैल्यू को हमने जीरो पुट किया है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रखे हैं, तो ये एन और एक्स का वैल्यू अब देखें क्या आते हैं। ये वैल्यू हमारा 8 न्यूटन × मीटर होगा, एन का वैल्यू mg × x होगा, एम का वैल्यू 4 × 10 यानी 40, तो एक्स का वैल्यू आ रहे हैं 8/40 यानी 1/5 यानी एक्स का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ रहे हैं। यानी जो बेस हैं सेंटर से राइट फेस उसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर, जबकि ये शिफ्ट कितना किया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पे, कि यदि इस बॉक्स में अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन होगा तो उस सिचुएशंस में जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी 10 न्यूटन होगा। लेफ्ट साइड में अप्लाइड फोर्स टॉप में है, राइट साइड ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल जो होगा सेंटर लाइन से राइटवर्ड डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर है और ये पूरा यूनिट नाइदर ट्रांसलेट नॉर रोटेट है ना, ना तो ये हमारा क्या हो रहा है ट्रांसलेट कर रहा है और ना ही हमारा ये टर्न कर रहा है ना, नाइदर ट्रांसलेट और नॉर रोटेट, यानी इसमें दोनों चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्या है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर हम इसी क्वेश्चंस में अप्लाइड फोर्स का वैल्यू सपोज 50 न्यूटन ले लें, जो कि इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है। 50 न्यूटन यदि हम फोर्स लगाएं, 80 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो हम एक 50 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं। इफ़ अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन तो फिर क्या आएंगे, हम अगेन ये सोचेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको रोकने का कोशिश करेगा और रोकेगा भी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमने जो निकाला था एफएस मैक्स वो 24 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स यदि हमारा 50 न्यूटन होगा तो पैरेलल टू द सरफेस लेफ्ट साइड स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना होगा 50 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्सेस अगेन क्या होंगे, कपल ऑफ फोर्सेस के रूप में एक्ट करेगा, जिसके वैल्यू क्या आएंगे, सी इज इक्वल टू 50 न्यूटन मल्टीप्लाई विद देयर परपेंडिकुलर सेपरेशन डिस्टेंस 0.8 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 12 न्यूटन × मीटर। ये दोनों मिलकर ये क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप कर रहे हैं, एंड इसमें क्लॉकवाइज सेंस में टर्निंग इफेक्ट डेवलप होगा, बट दिस इफेक्ट जो है अगेन नॉर्मल जो है आगे और शिफ्ट करके रोकने का कोशिश करेंगे। तो हम ये सोचें कि नॉर्मल जो है वो शिफ्ट हो रहा है और अब नॉर्मल को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर n × x लें और इसका वैल्यू 12 से इक्वल कर दें, n का वैल्यू 40 न्यूटन तो x का वैल्यू कितना आएंगे 12/40 यानी ये वैल्यू इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएंगे, ये 12 हो गया हमारा 15 × 8 और n का वैल्यू 4 kg है तो ये वैल्यू आपका आएगा 30 सेंटीमीटर। तो सेंटर से जो एक्सट्रीम राइट फेस है इसकी भी डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर हैं, यानी नॉर्मल अब इस लाइन से आगे तो शिफ्ट कर नहीं सकता है, यानी इसके बाद यदि फोर्स लगाए जाएंगे तो नॉर्मल अब इस वैल्यू से ज़्यादा ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा,
जो अभी हमने बताया, नॉर्मल के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, जो एक्सट्रीम पोजीशन तक शिफ्ट होगा, इसके बाद ये शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन होगा, सेंटर का एक्सेलरेशन जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी टर्न भी ये नहीं करेगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg के बराबर होगा। यानी अब तक के फर्स्ट टू क्वेश्चंस में ऐसा कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं मिल रहे हैं, एक्सेप्ट कि यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट होता है। कुछ बच्चों का ये सोच होता है कि हम लोग जो न्यूटन सॉ में बनाते हैं, जैसे एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंपल नॉर्मल ऐसा दिखा देते हैं, mg इधर दिखाते हैं, बिकॉज वहाँ पर हम टर्निंग इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, इससे नॉर्मल को हमेशा सेंटर से दिखाते हैं। पर यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होने के साथ टर्न भी कर सकता है, इससे यहाँ पर नॉर्मल को हम राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता हुआ ऑब्जर्व करते हैं और शिफ्ट करता हुआ दिखाते हैं। अब इसी क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है कि इफ़ अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन एट टॉप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इस बॉक्स में हम फोर्स जो लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, और याद होगा इसमें डाटा कि μs का वैल्यू कितना था तो 0.6, μk का वैल्यू कितना था 0.5, यानी यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 40, यानी दिस इज 24 न्यूटन, और fk का वैल्यू कितना होंगे तो 0.5 इंटू 40, जो मैंने शुरू में निकाल रखा था दैट इज 20 न्यूटन। यदि हमारा अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन होगा, एंड ये इसके मैक्सिमम वैल्यू से लेस हैं। अब ये अप्लाइड फोर्स और 20 न्यूटन का यदि हम इफेक्ट देखें तो सेंटर ऑफ मास में तो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होगा अभी एट प्रेजेंट सिचुएशंस में, जैसा मैंने बताया, लेकिन आगे ये सिचुएशंस हैं, क्या ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों मिलकर जो एक कपल ऑफ फोर्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने का कोशिश करेगा। कितना ये कपल ऑफ फोर्सेस हो रहे हैं, ये वैल्यू 20 इंटू 0.8 यानी दिस इज 16 न्यूटन इंटू मीटर, यानी इसको ओवरकम करने के लिए जो नॉर्मल फोर्स हैं ऑलरेडी 50 न्यूटन ही एक्सट्रीम शिफ्ट कर चुका है। यदि अब देखें नॉर्मल जो फोर्स हैं, यदि ये एम जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो ये एम जी कितना था 40, और ये हम कितना लिए थे 0.3, यानी ये हार्डली 12 न्यूटन इंटू मीटर का ही एंटी टॉर्क डेवलप कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऑब्जेक्ट जो हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अपोज यानी विरोध करने के बाद भी, एंटी टॉर्क डेवलप होने के बाद भी क्लॉकवाइज सेंस में अब ये टर्न कर सकता है। देखिए ये जो सरफेस हैं ये रफ हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स की वजह से ये ओवर टर्न यानी अपलिफ्टमेंट इसमें स्टार्ट जरूर होगा। यदि ये राइट मोस्ट बॉटम पॉइंट देखें तो अप्लाइड फोर्स की वजह से आगे यानी स्कीड करने का भी कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या है इसको रोक कर रखेगा। इसका मतलब अब ये पूरा जो हमारा बॉक्स है वो इस पॉइंट के अबाउट टर्न करना शुरू करेगा। आई बस में इसका मतलब यहाँ अब जो नॉर्मल फोर्स हैं जो एक्सट्रीम राइट एज से पास कर रहा है, फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट इस राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा, यानी अब इस ऑब्जेक्ट के लिए बॉक्स के लिए ये क्या कहलाएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये एक्सिस हमारा अपने पोजिशन पर फिक्स है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है सफिशियंट है, ये ए को भी स्कीड करने नहीं दे रहा है, यानी एक तरीके से सोच सकते हो कि यहाँ पर एक पेग हमने लगा रखा है जो इसको आगे बढ़ने से स्कीड करने से रोक रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका टर्म क्या रखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हम यहाँ पर टॉर्क इक्वेशंस के हेल्प से इसके टर्निंग एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू होते हैं टॉ इजकल टू आई इंटू अल्फा, ये इक्वेशन हम सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट यदि लिखेंगे तो टॉशियम बराबर आईशियम इंटू अल्फा लिखेंगे, और एनी अदर एक्सेस जो फिक्स्ड हो ग्राउंड में उसके अबाउट लिखेंगे, सपोज ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए इंटू अल्फा लिखा जाएगा।
इस बॉक्स का जो साइज दिया हुआ है, बेस है स्क्वायर बेस और हाइट है 0.8। यदि हम टॉप व्यू में देखें तो सिंपल ये हमें एक प्लेट के रूप में यानी रेक्टेंगुलर शीट के रूप में ऑब्जर्व होगा, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे, दिस इज एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेट का यदि लिखते हैं, जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ सीट, उस सीट के ऊपर फिर हम दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा सीट इस तरीके से अरेंज करते चले जाएं, तो हमें क्या होंगे, ये बॉक्स क्यूबॉइड फॉर्म में हमें ऑब्जर्वेशंस होगा, उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगी जो एक प्लेनर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमने बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाया। इसका मतलब यहाँ पर इस ए पॉइंट के अबाउट जो टर्न कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देन पैरेलेक्सिस थ्योरम को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, मास इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया हमारा आई सेंटर ऑफ मास, प्लस क्या लिखते हैं एम डी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या कहलाएंगे, आई पैरेलल, आई पैरेलल का मतलब अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ए, और ये वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या आएंगे, देखिए ये वैल्यू 0.6 हैं, ये वैल्यू 0.8 हैं, ये वैल्यू क्या आएंगे, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ जाएंगे 1, 1 का ये हाफ कितना आएगा 0.5, तो इसका मतलब ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे। मास ऑफ द बॉक्स जो है वो 4 kg है, ये वैल्यू अभी मैंने बताया 0.6 का स्क्वायर, ये वैल्यू 0.8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 डिवाइड बाई 12, मास बाहर निकालने, ये वैल्यू 1/4, ये एलसीएम आएंगे 12, ये वैल्यू 1+3, तो ये वैल्यू 4, तो ये टोटल वैल्यू कितना आएंगे 16/12, यानी ये वैल्यू 16/12 है, यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 4/3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा सॉरी ये वैल्यू 4/3 kgm², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए आर है। हमें यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की ज़रूरत है, ताकि अल्फा के हेल्प से हम इस टेंजेंशियल पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता सकें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब बता दोगे, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक वर्टिकल की तरफ और दूसरा हॉरिजॉन्टल की तरफ, इसको हम ए एक्स लिखेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ पर इस आलमीरा का अभी इस इक्वेशन से यदि अल्फा का वैल्यू निकाल दें एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट ए, तो ये सेंटर का ये कहलाएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसमें ये एंगल कितना होगा, ये वैल्यू 0.3 है, ये वैल्यू 0.4 है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा 0.4 और ये 0.3, तो ये एंगल आ जाएंगे हमारा 53 डिग्री, यानी ये एंगल 53 है, तो ये भी एंगल हमारा 53 होंगे, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। यानी हम यहाँ पे इस आई ए को यहाँ पुट करके पहले अल्फा निकाल लें, अल्फा यदि निकल गया हम तो इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, यदि इसको हम ओ लिख रहे हैं तो ओ ए से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या निकल जाएंगे, ओ का यानी सेंटर का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी हम यहाँ पर चाहें तो ए सी लिख सकते हैं, सेंटर का एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आएंगे, ए टी एक्स, ए टी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो ये वैल्यू जो वैल्यू निकालेंगे इसमें हम कॉस 37 और कॉस 37 का वैल्यू होते हैं 0.8, यानी 0.8 एटी के बराबर लिखेंगे। उसी ढंग से एटी बाई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, एटी साइन 37 डिग्री, तो ये वैल्यू आपका किसके बराबर होगा, डेट इज 0.680। यहाँ पर ये ए एक्स और ए बाई क्यों लिख रहे हैं, देखिए अभी जब इन सारी चीज़ों का हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एटी और ए एक्स, यानी इस टेंजेंशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी सेंटर ऑफ मास का ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तुमने फोर्स लगाया एफ और ये लिखे हैं फ्रिक्शन, जब तक टर्न नहीं कर रहा था अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन और फ्रिक्शन इक्वल था, पर जैसे टर्न करना शुरू करेगा इसमें हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन आ गया, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है, यदि फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन रह गया तो अब तुम्हें बताओ ए एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए एक्स का वैल्यू क्या आ रहे हैं 0.8 t, इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है वो वैल्यू लोअर डाउन हो जाएगा, आपने जो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, जैसे ये राइट मोस्ट बॉटम पॉइंट की ओर टर्न करना शुरू करेगा फ्रिक्शन का वैल्यू 20 से लोअर डाउन हो जाएगा, और वही हमें निकालना है कि जब ये लोअर होगा तो कितना हमारा फ्रिक्शन होगा। उसी ढंग से जब तक टर्न नहीं था, अपलिफ्टेड नहीं था, नॉर्मल का वैल्यू एम जी के बराबर था, पर जैसे ये टर्न करना शुरू किया हमें बाई डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन भी आ गया,
इसका मतलब एन का वैल्यू एम जी से ज़्यादा हो जाएंगे, जब तक टर्निंग किया था एन एम जी के बराबर था। सो इस डिस्कशन का जो फाइनल एम है हमारा यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो वैल्यू निकाले हैं आई ए, ये वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं। टॉर्क का वैल्यू क्या होंगे, हम जो टॉर्क ले रखे हैं पॉइंट ए के अबाउट, उसमें किसका किसका टॉर्क आएगा। नॉर्मल फोर्स तो एक्सट्रीम से ही पास कर रहे हैं तो इसका टॉर्क जीरो होंगे, फ्रिक्शन भी एक्सट्रीम से पास कर रहे हैं इसका भी वैल्यू जीरो होंगे। तो जो हम टॉर्क लिखेंगे उसमें ये अप्लाइड फोर्स का टॉर्क होगा एज वेल एज इसके वेट का टॉर्क होगा। समझाई बातें, क्योंकि हम सेंटर से नहीं लिख रहे हैं, आई राइट इट फ्रॉम इस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए के अबाउट लिख रहे हैं। समझाई बातें, इससे टॉर्क का इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस क्या करेंगे इस वेट का टॉर्क। ये वेट कितना था बता सकते हैं, ये वेट आपका था 40 और ये 0.3, तो ये वैल्यू कितना आएंगे आपका 40 × 0.3, ये हो गया नेट टॉर्क इक्वल टू, ये वैल्यू कितना है 4/3 मल्टीप्लाई विथ अल्फा। एक बार फिर से देख लें, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि व्हाई नॉट वी राइट दिस टॉर्क इक्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हमने थोड़ा तेजी से बताया आपको कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो जस्टिफाइंग। तो उस सिचुएशंस में क्या आएंगे, एफ एस अब वो 20 न्यूटन नहीं होगा, डेट इज ए नोन वैल्यू, एन एम जी के बराबर भी नहीं होगा जो मैंने समझाया, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास दो अननोन हो जाएंगे, फिर एक एम भी हो जाएगा। तो फिर वो वैल्यूज जो अननोन है जिसके हेल्प से अल्फा निकालना चाहते हो वो तो निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए हम प्रेफर कहाँ कर रहे हैं ये पॉइंट ए से। ऐसे क्या फ़ायदा मिला, एन का टॉर्क नहीं लेना पड़ेगा, एफ एस का टॉर्क जीरो होंगे, नहीं लेना का मतलब एन का टॉर्क जीरो हो जाएंगे। सो यहाँ पर इस वैल्यू को हम साइड में शिफ्ट करते हैं, हमने क्या लिखा, आई ए का वैल्यू निकला हमारा 4/3 के जी मीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गए होंगे कि क्यों हम यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट। तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया यदि ए पॉइंट के अबाउट लिखेंगे टॉर्क तो हमें क्या क्या फोर्स दिखेगा, एक एम जी का और दूसरा अप्लाइड फोर्स 20 का। तो यदि हम यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएंगे 16, ये वैल्यू 12 इजकल टू 4/3 × अल्फा। देखिए यहाँ पर ये 4 से कैंसिल होंगे तो अल्फा इजकल टू कितना आएंगे 3 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज योर अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस अल्फा को इस रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा अल्फा इंटू, यह लेंथ कितना है 0.5, 3 × 0.5 का मतलब हो जाएंगे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स तरफ लिखेंगे, ताकि जब हम फोर्स इक्वेशन लिखें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो उस फोर्स इक्वेशंस के हेल्प से हम इस एफ एस का वैल्यू निकालेंगे। अब ये एफ एस 20 न्यूटन नहीं होगा, लोअर देन 20 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स एफ माइनस एफ एस इजकल टू एम इंटू ए टी एक्स लिखेंगे। ए टी एक्स मैंने पहले बताया कि ये वैल्यू कितना है 0.880, यहाँ पर एक बार फिर देख लें, ये वैल्यू था कितना 0.4, ये वैल्यू है 0.3, ये वैल्यू थे 53, ये 53, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर 37, तो ये तरफ cos 37 का वैल्यू थे 0.8, तो 80 का वैल्यू 1.5, मास है 4 के जी, ये वैल्यू 1.5 और ये वैल्यू 0.8, तो ये वैल्यू आ जाएंगे कितना 1.2 × 4, यानी ये वैल्यू आपका 4.8 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका 4.8 आ रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करें तो एफ एस का वैल्यू कितना आ जाएंगे, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, तो एफ एस इजकल टू 20 − 4.8 यानी दिस इज 15.2 न्यूटन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि पहले कितना था, जब तक टर्न नहीं किया था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर था, पर अब ये वैल्यू 15.2 न्यूटन है। अब उसी ढंग से जब ये सेंटर इधर मूव किया, इसका मतलब सेंटर में एक वर्टिकल की तरफ भी एक्सेलरेशन आ जाएंगे, दैट इज 80y, तो 80y का मतलब इसका फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल फोर्स जो यहाँ लग रहे हैं एन, इसके एम जी नीचे। देखिए जब फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं फोर्स कहाँ पर लगता है, फोर्स इक्वेशन मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम ये देखते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में क्या है या कौन कौन सा फोर्स बाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है सेंटर का, उस तरफ कौन सा फोर्स लग रहे हैं, तो उस तरफ फोर्स हमें लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लग रहा है एम जी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एन माइनस एम जी, एन का मतलब ये एन बाई माइनस एम जी, बाकी ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल तरफ हैं, इसकल टू मास इंटू ए टी बाई।
अब ए टी वाई का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू साइन 37 आएगा, इस तरफ ए टी वाई आ जाएंगे, ये कॉस हैं ये साइन, तो ये वैल्यू 0.6, ए टी का वैल्यू 1.5 है, तो 0.6 यानी एन माइनस ये वैल्यू 40 इजकल टू मास 4, और ए टी वाई का वैल्यू 0.6 इंटू ए टी, ए टी कहाँ निकाले हैं 1.5, तो 1.5 इंटू ये वैल्यू, फिर से देखें 1.5 इंटू 0.6 या ये वैल्यू 0.6, तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपका 12, 1.2 इंटू 4 है ना। पहले वाले केस में कितना आया था ये वैल्यू, ये देखिए ये वैल्यू था 4.8, अभी जो वैल्यू आ रहे हैं कितना वैल्यू आ रहे हैं 3.6 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपका 3.6, ये वैल्यू n माइनस 40, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना जाएंगे, n बाई इसकल टू 43.6 न्यूटन, जो कि mg से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चंस का मैसेज था कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स हैं और वो फ्रिक्शन का वैल्यू बराबर हैं। देखिए अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होने के बाद भी आपने क्या सीखा इसमें कि ax का वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल की तरफ जो एक्सेलरेशंस हैं वो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो ये ऐसा कब होते हैं, जब बॉडी में हमारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो न्यूटन्स लॉ में जितने भी पास्ट क्वेश्चंस बनाए हो उसमें ऐसा टर्निंग इफेक्ट को कंसिडर किए ही नहीं थे, ठीक है। सो अब इसमें कुछ और जो बातें हैं, यानी ये क्वेश्चंस का डिस्कशन ओवर हो गए, अब इसमें जो कुछ बातें हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगले जो लेक्चर्स होंगे उसके लिए बेनिफिशियल होगा। हमने जो अभी समझाया आपको कि टोपल्ड यानी इसी को टोपलिंग बोलते हैं, यानी राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर पॉइंट के आउट, अब ये क्या होना शुरू होगा, टोपल्ड यानी टिपलिंग, टर्न करना शुरू करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोपलिंग। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जो राइट मोस्ट कॉर्नर पॉइंट है या राइट मोस्ट जो एज हैं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। देखिए ये टोपल्ड तभी किया था, अभी हमने क्या समझाया कि सपोज ये फोर्स एफ हैं और इसमें फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो म्यू एस एम जी, यही था। हम फोर्स को अप्लाई करते गए, फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करता चला गया, और जब एडजस्ट किया तो साथ में हमने क्या देखा कि ये फ्रिक्शन जो स्टैटिक हैं, अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल हैं, जो एक कपल ऑफ फोर्सेस का डेवलप कर रहा है, इसको रोकने के लिए नॉर्मल एक्सट्रीम तक जा रहा है। जब नॉर्मल एक्सट्रीम पर जाएगा तो उस सिचुएशंस में पॉइंट ए के अबाउट ये टर्न करेगा, लेकिन पॉइंट ए के अबाउट टर्न करने के लिए ए को रेस्ट में रहना ज़रूरी है, यानी ए में रेस्ट तभी होगा जब फ्रिक्शन सफिशियंट हो, अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा हो, तभी ये रेस्ट में होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये स्कीड कर जाएगा, और यदि ये स्कीड होगा तो फिर हम टर्निंग की बात नहीं करेंगे। तो फिर देखिएगा घर में जो आलमीरा रखा हुआ है उसको पुश करते हैं तो सम टाइम क्या होता है, वो स्लाइड करने के बजाय टर्न हो जाता है। स्कूल में जो बेंच हैं, पुराने वाले जो बेंच हैं, ये शायद अब बेंच आपके स्कूल में चेंज हो गए होंगे, आप बेंच में इधर से फोर्स लगा दो तो ये आपका स्लाइड कर जाएगा, इधर से फोर्स लगाओ तो स्लाइड की वजह ये टर्न कर सकता है। तो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं आपको कि जब ये फ्रिक्शन पहला सफिशिएंट होना चाहिए, जैसे इसमें हमने म्यूएस का वैल्यू कितना लिया था, दिस वैल्यू इज 0.6, मान लो हम म्यूएस का वैल्यू 0.5 लेते तो स्लाइड करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होती, टू वी स्लाइड इट हमें फोर्स की जरूरत पड़ता 0.5 mg, यानी 0.5 इंटू 40, यानी ये 20 न्यूटन से थोड़ा भी ज़्यादा लगाएंगे ये स्लाइड कर जाता। पिछले डाटा से चेंज किया हूँ, यहाँ पर म्यूएस का वैल्यू हमने कितना ले लिया 0.6 के बजाय 0.5, तो ये हमारा 20 न्यूटन में अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ हमारा कि पिछले वाले ही डाटा के हिसाब से यदि हम 50 न्यूटन लगाए थे तो नॉर्मल ऑलरेडी कहाँ था, एक्सट्रीम पर शिफ्ट हो चुका था नॉर्मल का वैल्यू। तो ये स्लाइड होने के लिए 20 न्यूटन की ज़रूरत है, और यदि फ्रिक्शन 20 न्यूटन है और हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो नॉर्मल शिफ्ट करना शुरू करेगा, है ना। देखें नॉर्मल कितना शिफ्ट करेगा, यदि हमने अप्लाइड फोर्स 15 लगाया तो 15 इंटू फ्रिक्शन भी उस वक्त 15 आ जाएंगे, उसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 0.8, तो ये कपल ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट करेगा। अब देखें कितना शिफ्ट करता है, एन का वैल्यू हम 40 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 30 सेंटीमीटर आएगा, यानी 15 न्यूटन अप्लाइड फोर्स में ही नॉर्मल एक्सट्रीम शिफ्ट कर चुका है, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, यानी ये स्लाइड तो नहीं करेगा पर 15 में ये नॉर्मल एक्सट्रीम भी शिफ्ट कर जाएगा। 15 से थोड़ा जाएंगे आगे तो स्लाइड अगेन नहीं होगा,
पर अब ये इसके अबाउट टर्न करना शुरू करेगा। इसका मतलब टर्न तभी होता है जब ये रुका रहता है, और ये रुकेगा तभी जब फ्रिक्शन सफिशेंट हो, यानी अप्लाइड फोर्स को काउंटर एक्ट कर सके। तो यदि हम फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो स्लाइड करने के लिए हमें 0.5 mg फोर्स की ज़रूरत है, और टर्न करने के लिए कितने की ज़रूरत है, जब ये टर्न करेगा तो अबाउट ए, अब ये टर्न करेगा यानी ए अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और ये टर्न तभी करेगा जब यहाँ पर मैंने बताया बार बार कि फ्रिक्शन सफिशियंट हो, इसको रोकने वाला सम फोर्स शुड बी प्रेजेंट हेयर, या तो इसको हिंज कर दें या इसमें पेग लगा दें या फ्रिक्शन सफिशियंट कर दें। तो जब ये टर्न करता है तो नॉर्मल एक्सट्रीम से पास करता है, फ्रिक्शन भी यहीं से पास करता है। हम ये टॉर्क ग्रेटर देन जीरो मतलब ये टॉर्क इक्वेशन का पार्ट लिख रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क इक्वेशन में बोल रहा हूँ लिखते हैं, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट भी लिखते हैं। तो इसके अबाउट भी हम टॉर्क लिखेंगे तो एन और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होंगे, अप्लाइड फोर्स का टॉर्क एफ एट हाइट एच लगा रखे हैं, ये एच हैं और इसकी बेस हैं, ये यहाँ से क्या पास कर रहा है इसका एम जी, जो ये कितनी दूरी पर हैं, अब इस बेस को हम बी से लिख रहे हैं यानी बी बाई टू, टोटल बी बी बाई टू हाफ का लिखेंगे, तो माइनस एम जी बी बाई टू, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी एफ इजकल टू एम जी बी बाई टू एच, यानी यहाँ पर टोपल्ड होने के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए। यदि बी और एच सेम हो गए यानी ये क्यूब हो गया, तब इस केस में एफ का वैल्यू क्या रहेंगे, 0.5 mg से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है 0.5 mg से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर यदि क्यूब हुआ तो पीछे वाले नहीं, यदि क्यूब हुआ तो 0.5 mg से ज़्यादा होना चाहिए, और यदि इस डाटा में लेकर चल रहे हैं तो एम जी बी बाई टू एच होना चाहिए। तो देखिए स्लाइड करने के लिए मैंने क्या बताया, टू बी स्लाइड इट फोर्स अप्लाइड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन म्यू टाइम्स एम जी होना चाहिए, टोपल्ड होने के लिए होना चाहिए। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक डाटा ले लें, सबसे पहला डाटा क्या लें कि सपोज ये क्यूब है विथ म्यू एस इजकल टू 0.5, क्यूब है बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो स्लाइड करने के लिए ये वैल्यू कितना आ जाएंगे 0.5 mg, है ना। ये यदि म्यू एस का वैल्यू हम यहाँ पर 0.5 mg ले रखें तो ये वैल्यू 0.5, म्यू एस का वैल्यू 0.5 तो 0.5 mg, और टोपल्ड होने के लिए ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, ये वैल्यू बी बाई टू एच, यदि ये क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू जाएंगे 0.5 mg, ये तो दोनों बराबर हो गए। तो अब सोचो यदि म्यू एस का वैल्यू कम कर दें यानी 0.4 कर दें, तो स्लाइड करने के लिए 0.4 mg चाहिए, टोपल्ड करने के लिए 0.5 mg चाहिए। यदि हम फोर्स लगाना शुरू करिए तो टोपल्ड तो तब होगा जब ये रुकेगा, ये तो पहले स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू अब 0.4 mg ले रखें, जस्ट मैंने आपको थोड़ा डाटा चेंज किया समझाने के लिए। तो इसका तो यदि म्यू का वैल्यू इससे लेस हो गया यानी इफ म्यू इज लेस देन बी बाई टू एच, तो ये क्या करेगा, इट विल स्लाइड फर्स्ट, ये पहले स्लाइड कर जाएगा। डाटा देख लो 0.4 mg में स्लाइड करेगा, टोपल्ड होने के लिए 0.5 mg चाहिए, तो टोपल तो तब होगा जब रुकेगा, तो रुकेगा ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन हमें क्या है यहाँ पर कम मिल रहे हैं, जैसे फोर्स बढ़ाना शुरू किए तो 0.4 mg आते ही वो स्लाइड कर जाएगा, जब स्लाइड करे तो टोपल्ड होगा ही नहीं, टर्न होने के लिए रुकना जरूरी है। और यदि हमारा टोपल्ड चाहते हैं तो यानी म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी बाई टू एच से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये पहले हमारा टोपल्ड होगा क्योंकि फ्रिक्शन इस केस में क्या है सफिशियंट है। देखो टोपल्ड जो वैल्यू है, टोपल्ड के लिए इतना फोर्स चाहिए, टोपल्ड का फोर्स तुम्हें कम देना पड़ेगा यदि बी का वैल्यू कम हो, यानी बेस यदि कम चौड़ा है तो टोपल्ड होने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा मैंने अभी बताया कि तुम ये वाले फोर्स लगाते तो बेस ज़्यादा हो गया, इधर से फोर्स लगाते तो बेस कम होगा, इससे इधर वाले पार्ट में इजिली क्या होते हैं, टर्न हो जाते हैं। और एच का वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाए, यदि ये खूब लंबा हो जाए, जैसे आजकल देखोगे जो एक गाड़ी आती है जिसमें लिखा रहता है छोटा हाथी, तो छोटा हाथी में ऊंचाई क्या करते हैं, हाइट इसका बढ़ा देता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा ऊंचा चला जाता है, तो इसका मतलब इसको टोपल्ड करना सर्कुलर पाथ पर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एच अब ज़्यादा हो गए, एच ज़्यादा हो जाएगा तो टोपल्ड करने के लिए, टर्न करने के लिए हमें लेसर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगले क्लास में हम इसी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।